बैठी हुई है और इसका जन्म जो है वो 1 जनवरी 2005 में हुआ था और ये अलीगढ़ के किसी गांव में हुई थी पैदा। और उसके बाद इनके पिता चले गए चेन्नई और वहां पर ये 5वीं क्लास तक पढ़ी है। और उसके बाद ये लगभग 3 या 4 साल पहले दिल्ली में आ गई पिता के साथ। और पिता इनके दिल्ली में काम करते हैं, बीमार हैं, उनको मुंह में कैंसर है। और ये लड़की दिल्ली में आने के बाद स्कूल नहीं गई और ये घर में काम करने लगी, तब से ही, जब से 11 साल की थी ये, अब 14 साल की हो गई है। और इनकी माँ जो है वो भी मेरे पास है, ये भी घर में काम करती है। तो हम खुशबू से बात करना चाहेंगे कि खुशबू ने क्यों पढ़ाई छोड़ी और क्यों क्या काम करती है और कितने रुपए आज की तारीख में कमाती है और क्यों करती है। खुशबू, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने चेन्नई से आने के बाद क्यों नहीं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, किसने कहा आपको कि आप घर में काम करो? हाँ, खुद ही कहा था कि घर में काम करेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए। मेरे बहन भाई छोटे पढ़ रहे हैं ना। हाँ, छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं। आपने मतलब पापा की इनकम नहीं थी, छोटे भाई पढ़ रहे थे, उनका खर्चा, तो घर में खर्चे को देखकर आपने अपनी पढ़ाई नहीं करी। और तब से क्या काम कर रहे हो पिछले 3-4 साल से? वो बर्तन सफाई का नहीं होता वो। हाँ, तो आज की तारीख में कितना रुपया आपको मिलता है महीने का? 4,000। तो आप अलग किसी घर में करते हो? आपकी मदर कहीं दूसरे घर में करती है? अलग अलग घर में करती है। तो आपको पता है आपके मदर को कितने पैसे मिलते हैं महीने के? कितने? आपको 5,000 मिलते हैं और इसको 4,000-4,500 मिलते हैं। तो घर की चार मिलते हैं, तो 5 और 4, 9, आपके पूरे घर की जो आमदनी है यही है 9,000। और इसमें आपके पति का इलाज और इसकी 2 बहनें छोटी हैं और एक छोटा भाई है, वो सरकारी स्कूल में जाता है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये हालत है इस देश की कि हम लोग बात करते हैं कि बेटियों को जो है ना क्या करो, बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना बेटी बच रही है और ना बेटी पढ़ रही है, ऐसा लग रहा है। और दुर्भाग्य है इस देश का, मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है कि हम अपने बच्चों को जो है बजाय अच्छी शिक्षा देने के स्कूल में और उनको जो है काम पे भेज देते हैं, चाइल्ड लेबर। आज भी ये चाइल्ड लेबर है, लेकिन जो देश की सरकार है वो शायद उसकी नजर में ये नहीं है, ना ही शायद कोई अहमियत रखती है ये सरकार की नजर में। और बड़ी दुख की बात है यार।